नेक्स्ट नाइन लाइफ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे आज के इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की। जी हां, जिस तरह से हाल ही में आजमगढ़ और रामपुर के लोकसभा उपचुनाव में करारी हार अखिलेश यादव को मिली है, उसके बाद अखिलेश यादव बौखला गए हैं और बौखलाहट में कभी किसी पर तो कभी किसी पर निशाना साध रहे हैं। इस बार उनका निशाना जो उन्होंने साधा है वो है डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक पर। जी हाँ, यहाँ पर ब्रजेश पाठक को लेकर अखिलेश यादव ने एक बड़ा बयान दे दिया है। क्या कुछ कहा है उन्होंने, आप भी सर। सरकार जहाँ 100 दिन की उपलब्धि बता रही है, सरकार को वहीं 5 साल 100 दिन की उपलब्धि बतानी चाहिए थी। और सबसे बड़ी उपलब्धि की पोल तो तब खुल गई जब उनके डिप्टी सीएम लखनऊ छोड़कर के गए और जब वापस आए तो उन्हें पता लगा कि उनसे बिना पूछे ही ट्रांसफर हो गए। 100 दिन की यही उपलब्धि है और ये वो डिप्टी सीएम है जिन्होंने सबसे ज्यादा छापा मारे। अगर हम पीछे मुड़ करके देखें, जहां जहां गए, जहां जहां कमियां देखी गई, अगर किसी पे भी कार्रवाई डिप्टी सीएम कर गए हो तो बता दीजिए। इसका मतलब ये है कि सरकार को पीछे से कोई चला रहा है। तो 5 साल और 100 दिन की उपलब्धि यही है कि सरकार को पीछे से कोई चला रहा है। भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, अन्याय चरम सीमा पर है। जहां 100 दिन की उपलब्धि बता रहे हैं, वहीं उन्हें पुरानी सरकार में जो उपलब्धियां थी, जो घोषणा पत्र बनाया था, वो कितना पूरा हुआ। अब उनका जो पत्र आया तो ये तो वही बता पाएंगे कि किसके कहने से ट्रांसफर हुए हैं। लगता है सरकार में कुछ ऐसी ताकतें हैं जो पीछे से ऑपरेट हो रही हैं। और फिर सबसे बड़ी उपलब्धि ये है सरकार की कि यूपी दरोगा भर्ती इतने बड़े पैमाने पे जिसमें धांधली हुई हो, जहां पर स्क्रीन शेयरिंग की पता लग गई हो कि स्क्रीन शेयर कर करके नकल हुई है या पेपर सॉल्व हुआ है, न जाने कितने लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, जो जेल में थे वो भी भर्ती हो गए। तो ये 100 दिन की उपलब्धि माने कि हम 5 साल 100 दिन की उपलब्धि माने। 100 दिन में तो न जाने कितनी नौकरी देने और रोजगार देने की बात थी। सवाल नौकरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, या इसी तरह धांधली या पेपर लीक में नौकरियां चली जाएंगी। जो अभी हाल में फीता काटेंगे वो भी समाजवादियों की उपलब्धि पुराने साल की। जो आज हम और आप बैठे हैं, इसके बाद जो पहला फीता कटेगा, सुना है लखनऊ में मॉल का उद्घाटन होने जा रहा है, लुलू मॉल का। जाइए और पूछिए सरकार के लोगों से कि लुलू मॉल किसकी उपलब्धि है। जो मुख्यमंत्री शपथ लेने के लिए तो जिस तरह से आपने देखा कि अखिलेश यादव ने यहाँ ब्रजेश पाठक को लेकर मजाकिया तौर पर तंज कसते हुए कहा है कि राजनीति को पीछे से कोई और ऑपरेट कर रहा है। क्या यहाँ पर अखिलेश यादव पीछे से कोई और ऑपरेट करने को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ की ओर इशारा कर रहे हैं? जी हाँ, इस तरीके से बिना किसी का नाम लिए यहाँ पर ब्रजेश पाठक के साथ साथ अखिलेश यादव ने एक बार फिर से सीएम योगी आदित्यनाथ पर निशाना साध दिया है। जी हाँ, जिस तरीके से बीजेपी ने समाजवादी पार्टी के गढ़ में उसे हरा दिया है, इसके बाद अखिलेश यादव बौखला गए हैं। बौखलाहट में जिस तरीके से अखिलेश यादव ने सीएम योगी और साथ ही डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक को लेकर ये बड़ा बयान दे दिया है, इस पर आपकी क्या कुछ राय है कमेंट सेक्शन में हमारे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। बाकी ऐसे ही तमाम अपडेट से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 लाइफ। नमस्कार।